उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना में बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आई। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट के नतीजे ने सबको चौंका दिया। पूरे चुनाव में जालीदार टोपी पहनकर प्रचार करने वाले बीजेपी नेता रामवीर सिंह ने कुंदरकी पर पूरी सपा का खेल पलट दिया। लंबे समय से सपा के कब्जे में रही इस सीट पर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज करी और इस जीत के लिए उन्होंने एक तरफा श्रेय मुस्लिमों को दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा, जब मुझे टिकट भी नहीं हुआ था तब से मुस्लिम एक तरफा था। मुसलमानों ने ठान लिया था कि इस बार रामवीर को मौका देना है। मुसलमानों ने धर्म जाति के बंधन तोड़ते हुए बीजेपी को वोट किया है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे 2007 में मुस्लिमों ने 2500 वोट दिए थे, 2012 में 5000 कर दिए, 2017 में 25000 कर दिए और फिर 75000 कर दिए। जहां एक तरफ ठाकुर रामवीर सिंह मुसलमानों को अपनी जीत का श्रेय दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया और मतदान में धांधली की गई। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कुंदर की सीट पर मतदान लोकतंत्र नहीं राजतंत्र नीति से हुआ है। बता दें कि रामवीर सिंह 2007 से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुंदर की सीट पर कुल वोट 3,80,000 है। यहां 2,50,000 मुस्लिम वोटर हैं, वहीं हिंदू वोटरों की तादाद 1,20,000 है और 10,000 अन्य हैं। इस उपचुनाव में करीब 57% वोट डाले गए हैं। पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार को कुल 82,000 वोट मिले थे और वो हार गए थे, जबकि इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार 1,00,000 से ज्यादा वोट पाते हुए नजर आए हैं। खासकर तुर्क मुसलमानों का वोट बीजेपी के खाते में जाता नजर आया। यही वजह है कि 9वें राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी 40,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से तुर्क मुसलमानों का भी मुद्दा उठाया गया था। प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने तुर्क मुसलमानों को साधा था, जिसका असर शुरुआती रुझानों में भी देखने को मिला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।